बीजेपी में बढ़ती कलह पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कांग्रेस से जो नेता गए हैं उन्हें बीजेपी के नेता अभी तक आत्मसात नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण बीजेपी में अंतरकलह का दौर जारी है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने। भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह थमने का नाम नहीं ले रही है। बात हाट पिपल्या से दीपक जोशी की हो या ब्यावरा के कार्यकर्ताओं की, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो अंदरूनी अंतरकलह है वो लगातार शबाब पर आती चली जा रही है। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी हैं। सर, भाजपा में अभी तक उम्मीदवारों का भी ऐलान नहीं हुआ, कहीं ना कहीं विवाद भी लगातार दिख रहा है। परसों सीएम हाउस का घेरा हुआ, कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेरा हुआ, क्या देखते हैं इसमें? देखिए, क्या है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने चार छोड़ के बाकी सब कैंडिडेट सर्वे के आधार पर घोषित कर दिए हैं। बाकी भी एक दो दिन में सर्वे के आधार पर घोषित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये आखिरी एक महीना है उनके कार्यकर्ताओं को, तो कम से कम टिकट तो ले लें और ये कलह मचा हुआ उनमें, क्योंकि 25 जो क्लियर था कि जो सौदे के साथ गए हैं उनकी टिकट तो डिक्लेयर कर देना था, वो भी नहीं डिक्लेयर कर पा रहे, क्योंकि वहाँ आरएसएस का और जो 25 जो वहाँ के नेता थे जो चुनाव लड़े थे पिछला, जो इन्हीं 25 प्रत्याशी जो आ रहे थे, तो वो उनका भी दबाव है पूरा, चाहे दीपक जोशी हो, चाहे आप सेजवार जी हो, बाकी सब जितने भी हैं, तो ये अंतरकलह जम के चल रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि मैं टेम्पररी मुख्यमंत्री हूँ और 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सभी सीट जीतेगी, मुख्यमंत्री हटेंगे, ये जन जन समझ रहा है, आक्रोश है लोगों में, क्योंकि हम देखें महिलाओं पर बच्चियों पर जिस तरह से अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है हाथरस की तरह, तो एक आक्रोश पूरे मध्य प्रदेश में है। जहाँ देखो वहीं कैंडल मार्च हो रहा है, पुतले दहन हो रहे हैं, सब हो रहा है। किसान अलग परेशान है, युवा अलग परेशान है, और ये 6 महीने का जो कोरोना काल है इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इनको भी ये किसी तरह भी नवाज नहीं पाए, तो उनका अलग आक्रोश चल रहा है। तो ये सब आक्रोश के बीच में ये कलह बीजेपी में मचा हुआ है और ये चलेगा, ये चुनाव 3 नवंबर तक चलेगा और 10 नवंबर को ये सब घर बैठ जाएंगे। कांग्रेस 24, बसपा 18, लेकिन भाजपा भले 25 की बात करती है लेकिन औपचारिक ऐलान तो अभी तक नहीं कर पाई। 3 सीटों पर और भी ज़्यादा उसके पेंच फंसे हुए हैं जो दिवंगतों से खाली हुई है, तो यहाँ पे क्या पेंच आपको दिखता है, क्यों अभी तक इतनी देरी हो रही है ऐलान होने में जब आपके पास उम्मीदवार है? कहा ना, अभी इन 3 सीटों पर उनका जो कुछ भी अचीव हो सकता है कि हम चुनाव लड़ लें, वहाँ का कार्यकर्ता यह चाहता है, और वहाँ कोई कैंडिडेट इनके पास जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके खिलाफ लड़ने के लिए कोई दमदार प्रत्याशी नहीं है, और इसीलिए अंतर्विरोध है और ये फैसला नहीं कर पा रहे। एक आखिरी सवाल है, क्षेत्र में आप भी लगातार जा रहे हैं क्योंकि अब चुनाव कहीं ना कहीं अब प्रचार भी आखिरी शबाब पर पहुंच रहा है, तो क्या स्थितियां देख रहे हैं आप? भाजपा अपनी बात कर रही है लेकिन कांग्रेस का भी अभी कहीं ना कहीं यहाँ प्रभावी असर देखने को मिला है। आप लोगों ने जिस तरह से मुद्दे दिए हैं, जो मुद्दे उठाए हैं आपने, तो कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। हाट पिपला में जिस तरह से कल सभा हुई कमला जी, ऐतिहासिक सभा थी, जिस तरह से ग्वालियर में गए, वो 5 घंटे उनको एयरपोर्ट से रानी लक्ष्मीबाई के समाधि तक जाने में लगा, और जितनी भी मीटिंग हो रही है उनकी सफल हो रही है, और उन्होंने जो कहा है कि भाई मेरा कसूर क्या है, ये है कि मैंने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट कर दिए, वृद्धा पेंशन 300 बढ़ा के 600 कर दी, बच्चियों की शादी 51,000 कर दी, युवाओं को रोजगार दे दिया, आखिर गुनाह क्या है मेरा जो नोटों से सरकार खरीद कर वोटों की सरकार गिरा दिया, जिसको जिस मुख्यमंत्री शिवराज जी को जनता ने नकार दिया था उनको सौदे से फिर बिठा दिया गया, ये आक्रोश लोगों में है। तो आपने देखा कि जो भाजपा में अंतरकलह का दौर है वो अभी भी जारी रहेगा, जिस तरह से मंत्री पीसी शर्मा का, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि क्योंकि वहाँ पहले से ही विरोध लगातार जारी है, कांग्रेस से नेता भाजपा में आए हैं तो उनको कहीं ना कहीं पार्टी के नेता सहज स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, यही कारण है कि वहाँ पर लगातार विरोध चल रहा है। ब्यूरो जर्नलिस्ट नारायण के साथ संदीप मिश्रा, IND24 भोपाल।